इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां महाकुंभ को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें मंडल आयुक्त प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज, जहाँ ADG जोन प्रयागराज, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज समेत कई आला अधिकारी रहे, तो साथ ही मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, PDA के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान और नगर आयुक्त भी इस मौके पर मौजूद रहे, तो महापौर ने भी कुंभ योजनाओं को लेकर कई सुझाव दिए, तो आम जनमानस और बुद्धिजीवी वर्ग से भी यहां पर संवाद किया गया और उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए कुंभ की कार्य योजनाओं में सम्मिलित करने की भी बात कही। ऐसे में किस तरह से बैठक हुई और किस तरह से इसमें लोगों ने प्रस्ताव सुझाव दिए, क्या कुछ कहना है मेला अधिकारी विजय किरण आनंद का, आइए दिखाते हैं आपको। महाकुंभ 2025 के क्रियान्वयन के लिए प्रयागराज शहर के सभी विभिन्न संगठनों, हितकारीगण, सभी के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। पहले नगर निगम द्वारा अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की गई, प्राधिकरण द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के प्रस्तुतिकरण किया और मेला प्राधिकरण द्वारा समेकित कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मंडल आयुक्त, ADG महोदय, पुलिस आयुक्त महोदय, महापौर जी, सभी ने अपना अपना वक्तव्य रखा और सभी संगठन के पदाधिकारियों ने द्वारा सुझाव दिया, जिसको सूचीबद्ध किया गया है और आगे योजनाओं में उसको सम्मिलित करते हुए, अंगीकार करते हुए क्रियान्वयन किया जाएगा। शासन की मंशानुरूप सभी परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण, चरणबद्ध रूप से, समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाएगा। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर जहां आज़ाद हिंद के जवानों की प्रतिमाएं लगाई गई थी, इन प्रतिमाओं को किसने तोड़ दिया ये किसी को नहीं पता, मगर सबसे बड़ी बात है कि सुभाष चौराहे जबकि सबसे व्यस्त इलाका है और इन प्रतिमाओं को आखिर किसने तोड़ा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन प्रतिमाओं को तोड़कर आखिर उसे क्या मिला, ये तो बात की बात है। मगर सुभाष चौराहे पर जहाँ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के आसपास ये लगाई गई प्रतिमाएँ पूरी तरह से टूट गई हैं, इनकी बंदूकें और हाथ टूटे हुए हैं और अब इसको देखना है ये प्रतिमाएं कब सही होती हैं, क्योंकि ये प्रतिमाओं को तोड़ने के पीछे क्या मकसद था ये तो जांच का विषय है, और इस पर पुलिस अब किस तरह से कार्रवाई करेगी, तोड़ने वालों को किस तरह से खोजेगी, क्योंकि यहाँ पर CCTV भी ICCC का लगा हुआ है और इनको किसने तोड़ा ये एक बड़ा सवाल है और अब इसको कौन सही कराएगा ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सिविल लाइन्स क्षेत्र में जहां सुभाष चौराहे पर जहां 1994 5 मार्च को उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगवाई गई थी और यहां पर उसका अनावरण मुलायम सिंह यादव ने किया था, बाद में कुछ दिनों बाद यहां पर उस मूर्ति के चारों तरफ सर्किल में शहीद जवानों की प्रतिमा लगाई गई थी, जिसमें कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के जवान हाथ में बंदूक और अलग अलग दृश्यों में थे, मगर ये मूर्तियां अब पूरी तरह से खस्ता हाल हो गई हैं, कई मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है, कई मूर्तियों के प्रतिमा के हाथ टूटे हैं तो किसी की बंदूक टूटी हुई है, आखिर इसे कौन तोड़ गया ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और अभी तक इस पर किसी भी जिम्मेदारों का ध्यान क्यों नहीं गया और इसको सही क्यों नहीं कराया गया ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा सुभाष चौराहे पर इन जवानों की टूटी हुई प्रतिमा मूर्तियों को कब और कौन सा डिपार्टमेंट सही कराता है और कब ये मूर्तियां फिर से नए तरीके से सही होती हैं। मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रयागराज में जहां गैंग रेप की शिकार पीड़िता ने अब मदद की गुहार लगाई, उसका कहना है कि पहली FIR कर्नलगंज में दर्ज हुई तो दूसरी कैंट थाने में और उसके ऊपर जानलेवा हमला भी हो चुका है, मगर उसके बावजूद कैंट पुलिस उसके आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही और ऐसे में महिला ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। मेरी हमसे कोर्ट मैरिज अनुज प्रताप सिंह उर्फ मोहम्मद आलम ने किए थे, जो कि मुझे बाद में पता चला कि वो मुस्लिम है। जब मैं मैरिज सर्टिफिकेट देखी तो मैं विरोध करने लगी कि आप मुस्लिम हो, मैं ठाकुर हूँ, मेरे आपका नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ मेरे साथ गैंग रेप किया, तो मैं कर्नलगंज थाने में जाके FIR दर्ज कराई। फिर सेकेंड टाइम भी मेरे साथ आके ऐसे बदतमीजी करके गैंग रेप किए, तो मैं कैंट थाने में जाके मैं FIR दर्ज कराई, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, अभी तक ना ही उसकी गिरफ्तारी हो रही है ना कुछ हो रहा है, और मोहम्मद आलम जो हैं वो मुझे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। मोराबाद के निवासी हैं, बहुत बड़े माफिया टाइप के हैं, गुंडे टाइप के, वो लोग कभी भी मुझे मार सकते हैं। मैं मदद की गुहार ये लगा रही हूँ कि मुझे न्याय मिले, इन लोगों को गिरफ्तार करके जल्द जल्द जेल भेजी जाए। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि इनको सजा दें और इनको गिरफ्तार करने के आदेश करें और
मेरी जान की खतरा है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है, वो लोग कभी भी हमको किसी भी वक्त मार सकते हैं। जी न्यायालय से मेरे कर्नलगंज में जो FIR लगवा दिया था वो पैसा दे के, उस पर भी मेरी अब बयान चल रही है, आज 161 की बयान हुई है। मैं नाम ठाकुर पल्ली पीड़िता सन 22 में कर्नलगंज थाने में मुकदमा 407/22 दर्ज कराई, धारा 306(d), 342, 313, 419, 420 के तहत, लेकिन मुलजमानों के दबाव और प्रभाव में विवेचक ने FIR लगा दिया, क्योंकि विवेचक के इशारे पर और मुलजिम के इशारे पर इसको बंधक बनाया गया, इसके माता जी को और इसके भाई को अनबंधक बना करके अपने पक्ष में बयान कराया गया, जिसके कारण ये न्यायालय में जा करके बयान दिया और बयान पर FIR लगा दिया गया। FIR पर मैंने प्रोटेस्ट सेफ चैलेंज किया, मुलजिम ज़बरदस्ती न्यायालय में आके कूद पड़ा और उसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद FIR रद्द करके कर्नलगंज इंस्पेक्टर को निर्देश दिया कि विधि अनुसार पुनः विवेचना सुनिश्चित करें और लड़की का बयान कराएं, उसका मेडिकल परीक्षण फिर सके। उसके बाद दोबारा इसके साथ एक घटना और हो गया, फिर अभी हाल में 14 जून को कैंट थाने में घटना साथ फिर इसके साथ हुआ, वहाँ क्राइम नंबर 135/23 में धारा 306(d), 380, 457 में मुकदमा दर्ज हुआ, इनका मेडिकल परीक्षण हो गया, 161/64 का बयान हो गया एक्सेप्ट बयान, लेकिन अभी तक जनपद प्रयागराज की पुलिस कोई भी मुलजमानों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करें, उनके दबाव प्रभाव में नहीं करें, इसके जान का खतरा बराबर बना हुआ है। इसी स्थिति में मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि इन मुलजमानों को, ऐसे दरिंदों को अविलंब गिरफ्तारी कराना सुनिश्चित कराऊँ। मेरा नाम रविन्द्रनाथ द्विवेदी, एडवोकेट, जनपद न्यायालय इलाहाबाद। क्या आपको मालूम है कि अब प्रयागराज के बिसात खाना बरांडा कहे जाने वाले एरिए का चौक में अब कनाट प्लेस के तर्ज पर होगा निर्माण? बता दें, महाकुंभ से पहले जहां महापौर गणेश केसरवानी ने सुझाव दिया है, साथ ही उन्होंने महर्षि वाल्मीकि और ब्रह्मा जी की मूर्ति लगाने की मांग की है, तो साथ ही चौक क्षेत्र में बरांडे को बदल कर कनाट प्लेस के तर्ज पर बनाने की मांग करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। यज्ञ की भूमि है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहला यज्ञ यहाँ पर किया, तो एक विशाल यज्ञ करते हुए ब्रह्मा जी की प्रतिमा, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण यहीं पर लिखी, तो महर्षि वाल्मीकि जी के एक रामायण लिखते हुए भव्य प्रतिमा, साथ ही साथ कुंभ गैलरी, ताकि अन्य समय पर भी जो अनेक जिज्ञासु यहाँ पर आते हैं वो कुंभ गैलरी के माध्यम से कुंभ के महत्व को समझ सकें, और उसी तरीके से शहर की बुनियादी जो सुविधाएँ हैं, एक आकर्षण शहर बने, एक सुंदर और स्वच्छ शहर बने। क्या सिटी यानी कनाट प्लेस पालिका बाजार की तरफ? हाँ, उसको उसी तरीके के विकसित करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच है और वहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है, इस कारण वो नीचे पार्किंग हो जाएगी, फिर उन दुकानदारों को जिनकी दुकानें आज हैं वहाँ पर, उनको दुकान आवंटित कर दिया जाएगा, ऊपर बढ़िया फूड रेस्टोरेंट और पार्क और एक बेहतरीन तिरंगा लहराता हुआ जो शहर को और आकर्षण बनाने का काम करें। बहुत अच्छा है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां दशा सुमेध घाट पर कांवड़ियों का सावन के महीने में आना शुरू हो गया है, यहां से लोग गंगा जल भरकर जहां बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी के लिए रवाना हो रहे हैं और काशी विश्वनाथ में जल चढ़ाएंगे, तो वहीं ऐसे में नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर दुकान जी अब लोगों को दशा सुमेध घाट पर जागरूक करते दिखाई दिए, गले में तख्ती लटकाए जहां लोगों को प्रेरित करते दिखाई दिए कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, कूड़ा कचरा थैले में या डस्टबिन में डालें, घाट पर सफाई बनाए रखें, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो। बता दें, दुकान जी नगर निगम के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं और अक्सर वे लोगों को जागरूक करते दिखाई देते हैं, तो वहीं आज दशा सुमेध घाट पर भी जहां दुकान जी ने लोगों को जागरूक किया और लगातार दशा सुमेध घाट पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की ये नज़ारा है तीर्थ नगरी प्रयागराज का, जहां कहने को तो स्मार्ट सिटी है मगर नज़ारा कुछ और ही है। नज़ारा है दारागंज घाट के पास का, जहाँ आगे दशा सुमेध घाट से कांवड़िए जल भरते हैं और जल भर के बाबा काशी विश्वनाथ भोले बाबा के दर्शन के लिए अब जल चढ़ाने यहीं से जाते हैं, मगर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पशु सड़कों पर घूम रहे हैं और जिससे कि
किस तरह से गंदगी फैलाते हैं और सावन के महीने में यहीं से श्रद्धालु घाट से संगम की ओर आते जाते हैं, मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आवारा पशु चर रहे हैं और ना ही कोई इनको रोकने वाला है ना टोकने वाला है। खुलेआम सड़कों पर आवारा पशुओं को चराया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ये पशु किनके होते हैं संगम क्षेत्र में इसका पता नहीं होता और यहाँ पर गंदगी फैलती है। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है या इसी तरह से आवारा पशु यहाँ पर घूमते रहते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नज़ारा है कचहरी के जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर, जहां सुरक्षा में यहां पुलिस भी काफ़ी तैनात होती है, मगर इनमें ज़रा सा भी पुलिस का खौफ दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये कमर्शियल ऑटो पर लटक कर व्यक्ति बैठा हुआ है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर ऐसे में ये व्यक्ति गिरता है तो इसका क्या होगा ये आप समझ सकते हैं, मगर सबसे बड़ी बात कि ना ही इस तरह के लोगों को कोई रोकता है ना टोकता है और ना ही इनका यातायात नियम के उल्लंघन में चलान होता है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से गाड़ी पर बैठ कर जान खतरे में डालकर सफ़र करना क्या ये उचित है? अपने आप में ये कई बड़े सवाल भी हैं, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है, जहां यातायात पुलिस के सामने ही आप देख सकते हैं किस तरह से व्यक्ति गाड़ी पर लटक कर पीछे बैठा हुआ है और जान खतरे में डालकर सफ़र कर रहा है। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है या इसी तरह से यातायात नियम का होता रहता है उल्लंघन। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है प्रयागराज रेलवे जंक्शन से लेकर जानसेनगंज की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं सड़कों पर अंधकार छाया है। कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर स्मार्ट सिटी में अंधेरे के कारण अक्सर यहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की माने तो उनका कहना है कि स्ट्रीट लाइट बंद रहती है, जिससे आदमी डिवाइडर में लड़ सकता है, दुर्घटना हो सकती है। और अक्सर यहां स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी रहती हैं और काफ़ी दिनों से ये स्ट्रीट लाइट ख़राब है और यहाँ लाखों पैसेंजर रोज आते जाते हैं प्रयागराज जंक्शन। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब देखना होगा जिम्मेदारों पर इसकी किस तरह से कार्रवाई करके इसको सही कराते हैं और क्या कहना है लोगों का। अरे आए दिन बंद रहती है, स्टेशन से लेकर जानसेनगंज तक पूरी लाइटें बंद रहती है, तो आदमी परेशान होता है अंधेरे में। काफ़ी दिन से बंद बहुत परेशानी होती है, आदमी अंधेरे में लड़ जाए, डिवाइडर में कहीं भी लड़ जाए, खतरा सताता है। बहुत खतरा है, लड़ने का सबसे ज़्यादा खतरा है। क्या नाम है आपका? क्या मुँह? देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।